Hallo Leute, ich bin Abhijit und ich habe in 6 Monaten Deutsch gelernt. Ich kann jetzt Deutsch sprechen und verstehen. अरे कहना क्या चाहते हो? समझ में नहीं आया ना? मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है जब मैं जर्मनी पहले आया था. स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और आज हम लोग बात करेंगे कि जर्मनी में आने के बाद मैंने 6 मंथ्स में जर्मन कैसे सीखी. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. यस, आपने सही सुना, मैंने 6 मंथ्स में जर्मन सीखी. बट यस, ये काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए, इतना ईजी नहीं था. मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंजेस भी फेस किए इसके ऊपर से. और जर्मनी में आने के बाद मुझे ये पता चला कि जर्मन लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती है तो आपका यहाँ पे काम बनना नामुमकिन है. तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आज बताऊँगा कि जर्मन मैंने कैसे सीखी. और दूसरी चीज़, मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपको भी जर्मन सीखने में आसानी हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सब फैक्ट्स के ऊपर. YouTube पे तो आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे. मैंने भी काफी सारे वीडियोस देखे थे जिसमें ये बताया था कि जर्मन सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. बट मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा. आर्टिकल्स, अकुजेटिव, डार्टिव, इन सब चक्रों में हम नहीं पढ़ेंगे. ग्रामर क्या होता है, जर्मन में ये कैसे फॉर्म होता है, वर्ब कैसे लास्ट में डालते हैं, इन सब के ऊपर मैं बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं कोई जर्मन टीचर नहीं हूँ. बट मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने जर्मन कैसे सीखी और क्विक वे में मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आई वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सबसे पहले मेरे को जो लगता है कि आप खुद को रेडी होने के लिए 3 सवाल पूछ सकते हो कि जर्मन मुझे क्यों सीखनी है, जर्मन मैं कहाँ यूज कर पाऊंगा और जर्मन मैं कैसे सीखूंगा. ये 3 सवाल के आंसर्स अगर आपको मिल जाएंगे तो आपको जर्मन सीखने से कोई नहीं रोक सकता. तो स्टार्टिंग में मैं जब जर्मनी में आया तो मेरा 2019 में मुझे कुछ भी जर्मन नहीं आता था. मैंने A1 A2 थोड़ा बहुत किया था बट इंडिया में मैंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था बिकॉज मुझे लगा कि जर्मनी तो अपना हो गया है, अभी हम लोग वहाँ जाके देख लेंगे. तो मैं जब जर्मनी में आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे अगर जर्मन आप नहीं बोलोगे तो आपका कुछ भी काम बनना आसान नहीं है. आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल है और काफ़ी चैलेंजेस है. तो ये बेटर ऑप्शन था मेरे लिए कि जल्दी से जल्दी मैं जर्मन सीखूं और उसके ऊपर काम करूं. तो इनिशियली जब मैंने ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चालू किया कि जैसे आर्टिकल क्या होते हैं, इसके साथ क्या बात करते हैं, देर दास, देर दी दास और ये सब झमेला, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए देर दी दास के ऊपर काम करना. उसके बाद जर्मन प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद उनकी स्लैंग और उसके बाद आता है एक सेंटेंस में सबको फॉर्म करके डालना. तो मेरे लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज मैं, मेरी मदर लैंग्वेज है मराठी. मराठी में अगर मेरे से कोई बात करता है तो मैं इजीली उसको रिप्लाई दे पाता हूँ. इंडिया में होने के कारण मेरे को हिंदी और इंग्लिश का भी, मेरी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी थी. बट जैसे ही मैं जर्मनी आया तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट था बिकॉज अगर सामने वाले बंदे से मेरे को जर्मन में बात करना है तो पहले तो मुझे मेरे माइंड में ट्रांसलेट करना पड़ता है कि मैं क्या बात करूँ, इसको क्या क्या रिप्लाई दूँ. एंड उसके पहले मेरे को ये समझना भी चाहिए कि ये क्या बोल रहा है. तो ये सब माइंडसेट का खेल है और ये सब मेरे माइंडसेट में चलते रहता था. तो इसीलिए जब तक मैं रिस्पांस देता तब तक टाइम चला जाता था और इसी की वजह से मेरे मन में ये डर बैठ गया कि मैं इनसे कैसे बात कर पाऊँ, मैं कैसे कम्युनिकेट कर पाऊँ. बट इन सब चैलेंजेस को अगर ओवरकम करना है तो सबसे पहले एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है आपके मन में जो डर है कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या रिएक्ट करेगा, ये सब भूल जाओ. जर्मन सीखना है तो बेशरम हो जाओ. बेशरम यानी कि आप कुछ भी बात करो, कुछ भी बोलो, जर्मन में बोलो, दे विल वेलकम यू. फर्स्ट थिंग इज, जर्मनी में मैंने आके एक चीज़ सीखी है, जर्मन्स वेलकम करते हैं अगर आप गलत भी बोल रहे हो, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, वो आपको हेल्प करते हैं. तो मेरे साथ वही हुआ. मैं जब ऑफिस में गया तो मुझे ये चैलेंज फेस करना पड़ा बट मेरे मैनेजर ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई कि तुझे सिर्फ उतनी ही जर्मन बोलनी है जितनी सामने वाले को सुननी है. जिसका मतलब होता है जर्मनी में तो आ गया है, तू ये ट्राई मत कर कि तू जर्मन प्रोफेशनल हो जाएगा. इतना ही ट्राई करो कि आपको समझे सामने वाला क्या बात कर रहा है और आप कुछ बोल रहे हो तो उसका फ्रेज या आप क्या बात कर रहे हो उसका एक सेंटेंस फॉर्मेशन आप सीख लो. इतना ही जर्मन आपको सीखना है. तो ये मैनेजर की जो टिप थी ये मेरे बहुत काम में आई बिकॉज इससे पहली बात तो ये तो मेरा मैनेजर ने मुझे बोला तो मैं पहले ही खुश हो गया कि वो मुझे जज नहीं कर रहा है. मैं कैसे भी बात करूँ, मैं कैसे भी रिएक्ट करूँ, ही विल ट्राई एंड गिव मी दैट कॉन्फिडेंस और मेरे को वो बूस्ट करेगा हमेशा. तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी टिप थी और मेरा माइंडसेट इसके बाद काफ़ी चेंज हुआ. सो उसके बाद सेटिंग अ गोल और मेकिंग अ प्लान, यह आपने करना चाहिए बिकॉज मैंने क्या किया था सबसे पहले कि एक गोल मैंने सेट किया था कि मेरे को कितनी लेवल तक जर्मन सीखनी है. इट्स नॉट A1, A2, B1, B2, C1. मैंने कुछ C1 लोगों को भी देखा है जो बात नहीं कर पाते और मैंने कुछ A1 लेवल के लोगों को देखा है कि जो फाड़ फाड़ जर्मन बात करते हैं. एंड इसका रीज़न, बेसिक रीज़न यही है कि वो बात करने की प्रैक्टिस करते हैं. सबसे पहली चीज़, जैसे हमारे यहाँ पे इंग्लिश बोलना भी काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मराठी फैमिली एंड मराठी फैमिली में इंग्लिश बोलना इज़ लाइक अ डिफिकल्ट टास्क. तो मैंने जो चीज़ इंग्लिश में की थी वही मैंने जर्मनी में की.
अगर आप बात करना चालू करोगे, अगर आप बात करने के लिए रेडी हो, तो आई वुड से कि आप अडेप्ट करने के लिए रेडी हो, एंड जैसे ही सामने वाला आपको जज नहीं करेगा ये आपको पता चल जाता है, तो आपका फियर वैसे ही ऑटोमेटिकली निकल जाता है। एंड प्लान बनाना मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे अगर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल है, ड्यूलिंगो है, फिर बाबल है, उसमें अगर आप डेली एक टास्क रिसेट करोगे, मैंने जैसे किया था कि मैं एवरी डे 15 मिनट्स स्टार्टिंग में 15 मिनट्स देना स्टार्ट कर दूंगा, और 15 मिनट्स के बाद मेरा एक डेली टास्क कंप्लीट हो जाता है जर्मन का, जिससे कि मुझे एक सुकून मिलता है कि एटलीस्ट आई एम ट्राइंग समथिंग। और अगर आप ये डेली रूटीन फॉलो करोगे मुझे लगता है कि ये काफी इजी है, एंड अगर आप 15 मिनट दे सकते हो जर्मन लैंग्वेज के लिए, तो जैसे मैंने पहले 3 क्वेश्चन पूछे, हाउ, व्हाई एंड वेयर, तो इन तीनों में से आपको एक आंसर तो मिल जाएगा। तो हमेशा आप खुद को एक ही क्वेश्चन पूछो, हाउ, व्हाई एंड वेयर, बस ये 3 क्वेश्चन आप पूछते रहो, तो जर्मन बात करने का जो मोटिवेशन है वो अपने आप आते रहेगा। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, जर्मन सीखना, जर्मन बात करना, ये सब ठीक है, बट मैं ये करूँ कहाँ पे, मुझे मेरे लिए क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल थे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है कार्टून देखना, एंड मुझे उसके बाद नेटफ्लिक्स ने भी काफी हेल्प की, क्योंकि मैं कोई भी मूवी अगर देख रहा हूँ, हिंदी में हो, मराठी में हो, या कोई भी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, तो उसका सबटाइटल्स मैं ऑन करके रखता था। और यूट्यूब में भी ये काफी अच्छी फैसिलिटी है कि आप सबटाइटल्स ऑन करके रख सकते हो, जिससे क्या होता है कि जैसे मैं अगर कोई एक वीडियो देख रहा हूँ, तो वीडियो में मुझे बात क्या कर रहे हैं वो तो पता चल जाता है, बट बिकॉज ऑफ सबटाइटल्स आपके आंखों के सामने वो जर्मन वर्ड्स आपके सामने आते हैं, एंड देन धीरे 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 करके आपके आंखों के नीचे से वो वर्ड जाते हैं। तो इस वे में आप अपना यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे अपना वीडियो भी देख सकते हो, एंड सबटाइटल ऑन करने से आपका ये भी फायदा हो जाता है कि आपको वर्ड्स भी आपके आंखों के नीचे से जाते हैं। और दूसरा ये था कि जैसे मतलब ऐप के बारे में मैंने बोला, ड्यूलिंगो है या बाबल है, इन सब ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में, एंड मोबाइल में डेली आपको यही करना है कि 15 मिनट्स आपको देने ही देने, आप कितने भी बिजी हो, कुछ भी हो। जैसे मैं खुद इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करता हूँ, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि इंस्टाग्राम को यूज करूँ, बट साइमल्टेनियसली मैं अपना 15 मिनट खुद के लिए भी दूँ, जिससे कि मेरा जर्मन सीखना ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आई अंडरस्टैंड कि जर्मनी में ये ईजी है और इंडिया में ये डिफिकल्ट है, बट मैंने क्या किया था, जैसे मैं जर्मनी में था, तो मैं जैसे ही अगर किसी शॉपिंग मॉल में जाता हूँ या फिर किसी होटल में जाता हूँ, तो मैं ट्राई करता था कि जर्मन में बात, एंड वॉट एवर इट इज, गलत तो गलत, जब तक ये फियर मेरे मन से नहीं निकलता कि मैं बोलूँ, तब तक मुझे जर्मन सीखना यहाँ पे इम्पॉसिबल लगा। तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि सामने वाला भी यहाँ पे जर्मन हो तो वो आपको हेल्प करता है, एंड देन ही अंडरस्टैंड्स कि इसको इतना नहीं आता बट ये ट्राई कर रहा है। तो फोकस इसी पे रखना है कि एटलीस्ट मैं बोलूँ, जब तक आपके मन में ही रहेगा कि मैं बात करता हूँ, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। और मुझे ये काफ़ी अच्छे से पता चल गया था कि जब तक मैं बोलूँगा नहीं, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, स्लैंग क्या होती है, बात कैसे करते हैं। तो इसीलिए मैंने हमेशा ट्राई किया कि जैसे ही मैं छोटे से छोटे दुकान में जाता हूँ या बड़े से बड़े मॉल में या कहीं पे भी मैं जाता हूँ, होटल में जाता हूँ, रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, जहाँ पे भी मुझे जर्मन बंदा मिलेगा या कोई भी बंदा मिलेगा, तो मैं उसे ट्राई करता हूँ जर्मन बात करने के लिए। तो ये एक चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी वर्कआउट हो गई कि प्रैक्टिस करने की वजह से मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो मैं धीरे 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 इसके ऊपर काम करने लग गया, एंड जैसे कि बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आपको पता चलते हैं कि ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता है, ये वर्ड का अलग होता है, तो आप उसको याद रख सकते हो। एंड जब आप सामने वाले से बात करते हो वो भी आपको कुछ नए वर्ड्स देगा, कुछ स्लैंग्स देगा, तो ये आपको माइंड में रखने और फिर बाद में उसको यूज कैसे करना है वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जर्मन सीखने में सबसे डिफिकल्ट टास्क जो मुझे लगता है कि मोटिवेटेड कैसे रहना है, कि मैं एक स्टार्ट तो कर दिया, मैंने 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, बट बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता और मेरे को नहीं पॉसिबल हो पा रहा था, तो मैं खुद को मोटिवेटेड कैसे रखूं। तो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मैंने सबसे पहले जो चीज की वो है कि मुझे अगर एक सेंटेंस भी मैं बात कर पाया कहीं बाहर जाके, तो मैं, मेरे लिए ये अचीवमेंट थी, एंड आई वुड कंसिडर दिस एज अ स्मॉल माइलस्टोन। तो आप भी ऐसे धीरे 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 करके एक माइलस्टोन सेट कर सकते हो कि मेरा ये जर्मन, मैंने ये बोला, आज मैं यहाँ गया था तो मैंने इतना जर्मन बोला। जैसे आपने काफी वीडियो में देखा होगा, मॉल्स में जैसे ही जाते हम लोग जब बिल करते तो हम लोग बोलते हैं मिट कार्ट बिटर, उसके बाद जब सामने वाले को समझ में आता है कि मैं कार्ड पेमेंट कर रहा हूँ, तो मन में इतनी खुशी होती है कि सामने वाले से मैंने जर्मन बात किया। ये हमारा इनिशियल स्टार्टिंग है, जैसे गुटन मॉर्गन, गुटन टाग, मिट कार्ट बिटर, कैनन जी बिटर, इंग्लिश प्रेशन, ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे मोटिवेट करती थी कि मैं जर्मन बोल पाया। और ये छोटे अचीवमेंट भी काफ़ी बड़े अचीवमेंट है इनिशियल फेज के लिए। और अगर मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करता था, ग्रामर को सबसे पहले साइड में रखता था। तो अगर आप ग्रामर को साइड में रखोगे तो आपको जर्मन सीखना ईजी लगेगा। गलतियाँ करो, मिस्टेक्स करो, बट
डोंट थिंक, डोंट बी अ परफेक्ट गाय, डोंट थिंक कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन परफेक्ट ही होगा. आप ट्राई करो, बोलो बोलो बोलो, एंड ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जर्मन आप एक सेंटेंस करेक्ट वे में फॉर्म करोगे, उसमें ग्रामर भी ठीक बैठेगा और सब चीजें. तो ये सब चीजों को यूज करके आप मोटिवेटेड रह सकते हो. उसके बाद आता है जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट मुझे लगा जर्मन सीखने में, वो है ग्रामर. आप कहीं पे भी जाओ, इंग्लिश में जाओ, कौन से भी लैंग्वेज में जाओ, मुझे जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट लगता है वो है ग्रामर. बिकॉज ग्रामर में आते हैं काफी सारी चीजें, आर्टिकल हो गया, वर्ब्स हो गए, नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, फिर उसके बाद आता है टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. ये सब झमेले में मत पड़ो. स्टार्टिंग में तो ग्रामर के ऊपर ध्यान मत दो. मैं बोलूंगा ये मुझे सबसे चैलेंजिंग पार्ट लगता है किसी भी लैंग्वेज में, बट जर्मन में स्पेसिफिकली ये बहुत चैलेंजिंग है. एंड और एक चीज इसके ऊपर जो मुझे चैलेंजिंग लगती है वो है कि जब मैंने जर्मन से बात करना स्टार्ट किया ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसमें, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि कोई भी जर्मन परफेक्ट डॉयच नहीं बोलता, यानी कि परफेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन उसका नहीं होता है. जैसे कि हम लोग भी स्टार्ट करते वक्त हमारे मदर टंग में हम लोग बात करते हैं, बट अलग अलग रीजन में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लैंग्स होते हैं. एंड जर्मनी में भी वैसा ही है. अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि वर्ब के ऊपर ध्यान देना है, सेंटेंस में कोई भी बात कर रहा है तो लास्ट में वर्ब आता है, अगर आप वर्ब के ऊपर ध्यान दोगे और वर्ब पकड़ लोगे तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि बात क्या हो रही है. ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट मुझे लगा कि एक तो पहले था ग्रामर और दूसरा था स्लैंग. तो इसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ जो कि मुझे लगता है टिप्स. तो मैं आपको शेयर करूंगा मेरे टिप्स, आप ये बताना कि आपको ये यूजफुल लगे कि नहीं. एंड ट्राई करते हैं कि इसको शॉर्ट रखने का, क्योंकि मेरे पास टिप्स तो बहुत है, बट कौन सा आप यूज कर सकते हो कौन सा नहीं ये अपने अपने ऊपर होता है. तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेरे मुझे जो टिप्स लगते हैं कि काफी यूजफुल है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहली टिप जो है, डू नॉट वेस्ट मनी ऑन क्लासेस. मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्लास नहीं लगाना है, बट सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मैंने एक महंगा क्लास लगा लिया, बट मुझे जर्मन लैंग्वेज में इतना इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो रहा था 2 वीक के बाद. तो मेरा ये सजेशन है वो है क्लास नहीं लगाना, जिसका मतलब होता है कि आप पहले 1 वीक या 2 वीक इन ऐप के ऊपर या यूट्यूब वीडियोस के ऊपर देखिए, एंड यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप देखिए कि जर्मन कैसे सीखते हैं, जर्मन कैसे बात करते हैं. अगर आपको इंटरेस्ट बिल्ड होता है तब जाके क्लास में इन्वेस्ट कीजिए. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग पे कर देते हैं एंड देन वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट, तो वो पैसा वेस्ट जाता है. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि क्लास आप लगाइए, बट 15 डेज का, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्री क्लास का एक स्टडी, जैसे प्री स्टडी बोलते हैं, वैसे ही आप जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब वीडियो पे 10-15 दिन दीजिए, 1 घंटा या आधा घंटा उसको टाइम दीजिए. अगर आपको इंटरेस्ट बिल्ड होता है तभी जाके आप क्लास लगाइए, बिकॉज इससे आपके पैसे भी बचेंगे और मैं नहीं चाहता कि आप पैसे वेस्ट करो. सेकंड टिप जो मुझे लगता है कि वो ड्यूलिंगो ऐप हो गया या बाबिल ऐप हो गया, इन ऐप को यूज करके आप जर्मन काफी अच्छे से घर पे भी सीख सकते हो. इनमें एक चीज ये करना है कि डेली का एक टास्क होता है एंड यू हैव टू फिल दैट टास्क. और अच्छा ये होता है इसमें कि वो आपको रिमाइंडर भी देते हैं कि आपका ये आज का दिन का टास्क पेंडिंग है, तो ये इजी होता है आपके लिए सीखना. थर्ड टिप जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जैसे आपको जो भी चीज़ पसंद है, जैसे मुझे कार्टून पसंद है, आपको किसी भी वीडियोस या यूट्यूब वीडियोस या नेटफ्लिक्स पे कोई भी मूवीज़ या जो भी देखना पसंद है, आप उसका सबटाइटल जर्मन में रखिए. इससे काफ़ी हेल्प होता है और ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि जैसे अगर आप ऑब्जर्व भी करते हो किसी वर्ड को जर्मन के, उसको यूज़ कब करना है वो तो अलग बात है, बट अगर आप देख भी लेते हो वर्ड्स तो आपका आधा काम उधर ही हो जाता है. उसके बाद जो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि यूट्यूब की वीडियोज़ के बारे में, तो यूट्यूब पर कुछ चैनल है जिसका नाम है जैसे जर्मन विद एनिया, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कुछ पॉडकास्ट के भी कुछ लिंक्स है. इन चैनल्स को फॉलो कीजिए, इन चैनल्स के साथ आप देखिए. उसमें एक सीरीज भी चलाई हुई है जर्मन विद अन्या ने A1 की, जिसका 5 to 10 मिनट्स का लेंथ है, बट आई वुड से वो काफ़ी अच्छा है. अगर आपको स्टार्ट करना है कोई भी क्लास तो उसके पहले ये वीडियो देख लीजिए, एंड अगर आपको इस सीरीज में इंटरेस्ट बिल्ड होता है तभी आप क्लास में इन्वेस्ट कीजिए. तो ये पॉइंट में मेरा इतना ही कहना है कि जैसे यूट्यूब वीडियोज़ है, कुछ चैनल्स है, तो वो चैनल्स को फॉलो कीजिए. एंड इसमें और एक कैटेगरी जो होती है, जैसे कि आप अगर जर्मन सीखना चाहते हो तो जर्मन डेली लाइफ के लिए सीखना चाहते हो, जर्मन वर्क प्रोफेशन के लिए सीखना चाहते हो, या जर्मन स्टूडेंट हो इसलिए सीखना चाहते हो, तो उसके भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियो होते हैं. जैसे मान लीजिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्किंग, मुझे जर्मन सिर्फ वर्किंग लाइफ में ही बोलनी पड़ती है, तो मैं यूट्यूब वीडियोज़ में वही कैटेगरी देखूंगा. और वर्किंग वीडियोज़ में जैसे ब्यूरो हो गया, जैसे ऑफिस हो गया, तो ऑफिस के वीडियो देखने का फायदा यह होता है कि आपको जर्मनी में जर्मन्स जो बात करते हैं ऑफिस में, वो वर्ड्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. और ये फायदा होता है आपका कि जैसे कैटेगरी वाइज आप वीडियोस देख सकते हो. उसके बाद जो अगली टिप मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपका मोबाइल हो गया, ये तो आपके साथ हमेशा रहता है, तो ट्राई कीजिए कि आपका मोबाइल की जो सेटिंग है, लैंग्वेज सेटिंग्स, उसको आप जर्मन में कन्वर्ट कीजिए.
पूरा मोबाइल का जर्मन सेटिंग करने से अच्छा आप एक काम कर सकते हो कि जैसे व्हाट्सएप हो गया या जो भी चैट आप लोग करते हैं उसको आप जर्मन में कन्वर्ट कीजिए, एंड ऑटो करेक्ट का ऑप्शन तो हमेशा रहता है, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि इसको जर्मन में कन्वर्ट कीजिए एंड बात करते वक्त जर्मन में बात कीजिए। मैंने ये चीज़ की थी कि मेरे जर्मन कलीग के साथ मैं ऑटो करेक्ट तो ऑन रखता था, बट जर्मन कन्वर्ट करने की वजह से मेरा एक फायदा ये हुआ कि मुझे मोबाइल में मेरा कंपलसरी जर्मन में ही मेरे को देखना पड़ा सेटिंग में क्या है, उसको क्या बोलते हैं, और उससे मेरे को एक विजुलाइज करने में इजी हो गया। नेक्स्ट टिप मेरी जो सबसे मुझे यूजफुल लगी और मुझे एक दोस्त ने ही शेयर की थी जो सीनियर था, उसने बोला था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफिक उस कैटेगरी के लिए ही यूज होते हैं। ये सब चीजें हैं कैटेगरी वाइज इसको स्प्लिट कीजिए, किस कैटेगरी में ये वर्ड्स आते हैं उस कैटेगरी के सारे वर्ड्स एक ही दिन में आप रट लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूंगा कि घर के बारे में वर्ड्स जैसे कि वोनुंग, फेंस्टर, घर के सारे फर्नीचर, इन सब चीजों को कैटेगराइज कीजिए, इन सब वर्ड्स को कैटेगराइज कीजिए और इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने घर के बारे में बोला तो घर में क्या क्या चीजें यूज होती है उसको क्या क्या बोला जाता है, एंड देन ट्राई टू जस्ट कैटेगराइज दिस वर्ड्स, उनको एक टेबल फॉर्मेट में रखिए, एंड देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स। इससे आपको जर्मन वर्ड्स रटने में काफी आसानी होगी। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि कंक्लूड इसको मैं इसी वे में करूंगा कि डोंट गो फॉर परफेक्शन, जो भी आ रहा है जैसा भी आ रहा है ट्राई कीजिए और लास्ट तक लगे रहो। मुझे ये गारंटी कि जैसे मैंने भी नैया पार कर ली वैसे आप भी कर लोगे, बस इसको छोड़ना नहीं है। इसको बीच में ही छोड़ोगे तो आपको एक परेशानी ये भी होगी कि आपके माइंड में ये रहेगा कि यार मेरे को जर्मन नहीं आ रही, मैं ट्राई इतना ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं आ रही, बट लगे रहो, गलतियां करो, गलतियों से सीखो, एंड आई वुड से कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप जर्मन बोल पाओगे। और मेरी मैनेजर की जैसे टिप थी, हमको उतनी जर्मन बोलनी है जितनी सामने वाले को सुननी है, तो ये ट्राई करते रहिए और आप जर्मन सीखते रहिए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जर्मन मैंने कैसे सीखी, क्या क्या चीज़ें मैंने की, क्या क्या टिप्स मैंने यूज किए, आपको भी कुछ मैंने टिप्स बताए। आपको अगर लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड अगर आपको लगता है कि मैं जर्मनी के किसी अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।